हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय सेकंड व्लॉग। सुबह की गुड मॉर्निंग हो रही है, सुबह के 3 बज गए हैं। और आज सुबह के 3 बजे मैं क्या कर रही हूँ उठ के, तो इट्स सस्पेंस। आज मैं कहीं जा रही हूँ, 5 दिसंबर, टुडे डेट इज 5 दिसंबर। तो मिलते हैं, थोड़ा रेडी हो जाती हूँ मैं, फिर मैं आपसे बैठ के बातचीत करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, दीपशिका सो रही है। मैं तो फ्रेंड्स, आई एम वेलकम बैक। नाउ मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं, जैसे कि सुबह के 4 बज गए हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं बता रही थी आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मैं एक मिनट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा एडमिट कार्ड, ठीक है। ये किस चीज़ का एडमिट कार्ड है? ये आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स का एडमिट कार्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हूँ, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया ही हुआ है। तो इस वजह से ये एग्ज़ाम है सुबह का, तो बहुत जल्दी का टाइम दिया हुआ है इन्होंने। 6 बजे रिपोर्टिंग का टाइम है, सुबह सुबह, मॉर्निंग। तो मैं रिपोर्ट करूँगी इसका, इसलिए मैंने सुबह सुबह इतनी जल्दी उठी हूँ। तो ये एग्ज़ाम नहीं है, आई थिंक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम होगा हमारा, तो देखते हैं कैसा होगा, क्या होगा। उस टाइम है और अकेली जा रही हूँ, डर भी बहुत लग रहा है, बट क्या करूँ, अब तो कुछ तो हिम्मत चाहिए ही है मुझे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं स्टडी तो मैं पहले भी कर रही थी, ये ब्लॉग्स तो मैंने अभी स्टार्ट किए हैं। स्टडी में पहले जैसे 100% मतलब ऑल ओवर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके, इन सभी को मिला के 40% मेरा सिलेबस रेडी है। 60% मैं आने वाले टाइम में कर रही हूँ। ये बीच में मैंने एग्ज़ाम फिल किया था तो इसकी डेट आ गई, तो सर चलो एग्ज़ाम दे के आते हैं, क्या पता लग कब काम कर जाए। बाकी दिमाग है, देख लेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, जो भी पढ़ा हुआ है आएगा तो कर लेंगे, अदरवाइज ठीक है, नॉलेज तो मिल जाएगी ना हमें किसी चीज़ की। तो जैसे कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर बद्दोवाल आया है, ये ना मैं आपको बताना भूल गई, मैं पंजाब में रहती हूँ, पंजाब मोगा शहर में हूँ, तो वहाँ पे रह रही हूँ। मेरा मायका है यहाँ पे, तो मैं मम्मी पापा, मम्मी के पास रह रही हूँ। मम्मी पापा मेरा अपना घर है, मम्मा का घर, तो मायके में रह रही हूँ। और बद्दोवाल है मोगा से, 1 घंटे की दूरी पर बद्दोवाल है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर तो नज़दीक है, इसलिए सुबह सुबह निकलूँगी। अगर ज़्यादा दूर होता तो मैं शाम को निकल लेती, कल शाम को, बट सोची ठीक है सुबह सुबह निकल जाएंगे, रेडी होती हूँ। तो बस अब चाय पी लूँगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद मेरा बैग रेडी है। मैं कहीं भी जाती हूँ अकेले, मैं यूँ नहीं जाती, मैं ना अपना बैग रेडी करके जाती हूँ। बहुत सारा सामान होता है मेरे इस बैग में, पता नहीं कब क्या पड़ जाए मुझे, इसलिए। तो ये फाइल पूरी ले चुकी हूँ, डॉक्यूमेंट्स की, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ ले लिया है, वहाँ जाके कुछ हो ना जाए इस वजह से, ठीक है। ठंड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा चाय पी लूँ। स्माइल, मेरे कप में स्माइल लिखा हुआ है, हमेशा स्माइल रहना है, ज़िंदगी में खुश रहना है, बस यही है। बाकी अप एंड डाउन तो लाइफ में आ ही रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ को स्माइल से फेस करना है। मुझे बहुत सभी कहते हैं आप हंसते रहा करो, स्माइल करते रहा करो, ऐसे सैड मत हुआ करो। तो इस वजह से मैं ऐसा रहने की कोशिश बहुत कर रही हूँ। तो मेरी चाय फिनिश हो चुकी है, अब मैं निकल रही हूँ। अपने सिस्टर को कह दिया मुझे स्कूटी से, मुझे जहाँ पे जाना बस स्टैंड छोड़ा हो, मैं वहीं से बाई बस जाने वाली हूँ। तो मैं मिलती हूँ आफ्टर दैट, वहाँ पे क्या होगा वो उसके बाद में बताऊँ। तो मेरे बस स्टैंड पहुँच चुकी हूँ मैं, हेलो फ्रेंड्स। तो काफ़ी टाइम बाद मिली, तो क्या कहते हैं, मैं पहुंच चुकी हूँ बद्दोवाल। बहुत ठंड है, टू मच कोल्ड, बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ, लोकेशन ही नहीं मिल रही थी, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, टू टफ।
चलो फाइनली पहुंच गई, आई एम हैप्पी।